Hello kids, I am back again with another video of English Workbook Lesson 2, Naming Words. Today we will be learning about naming words. What are the naming words? The words that are used as names of person, place, animals and things. Naming words are also called nouns. Or we can say that noun is a name of person, place, animal and thing. Noun kya hai? Kisi person ka name, kisi animal ka name, kisi birds ka name, kisi thing ka name. Wo shabd jo kisi ka bhi name batate hain. Look at your surroundings. Aap apne charo taraf dekhiye. Aapko bahut sari cheeze dikhengi jinke apne apne name honge. Like, आपके यहाँ बेड है उसको आप बेड बोलते हैं. टेबल है उसका भी एक पर्टिकुलर नेम है टेबल. चेयर है. ये सारी चीजें क्या है? थिंग्स हैं, चीजें हैं ये. ऐसे ही आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल आंट हैं, उनके भी एक पर्टिकुलर नेम है. आपके पेरेंट्स हैं मदर फादर, आप उनको मदर बुलाते हैं, मामा को फादर को पापा बोलते हैं. आप मदर को फादर तो नहीं बोलते हैं और फादर को मदर तो नहीं बोलते हैं, तो उनके भी एक पर्टिकुलर नेम है, तो आप उन्हें उन नेम से बुलाते हैं. वो क्या है? नेमिंग वर्ड्स. लाइक एनिमल्स, एनिमल्स के भी अपने पर्टिकुलर नेम्स हैं. जिराफ, डॉग, कैट, मंकी. ऐसे ही प्लेसेस हैं. आप कहाँ रह रहे हैं अभी? यू आर एट योर होम. तो आप कौन सी प्लेस पे हैं अभी? अपने घर में हैं. घर क्या है? एक जगह है. ऐसे ही आप खेलने जाते हैं. कहाँ खेलने जाते हैं? कौन सी प्लेस पे खेलने जाते हैं? पार्क जाते हैं. So you are playing in the park. So let's discuss with some names of person, names of places, names of animals and names of things. Okay, names of person. What are the names of person? Uncle, aunt, mother, father, teacher, friend, principal, doctor, nurse, gardener, sweeper and many more. Names of places. Office. Okay, office. Your father goes to office daily. तो office is a place. Office क्या है? एक जगह है जहां आपके father daily जाते हैं काम के लिए. Market. You visit market with your mother and father to buy fruits, vegetables and things, toys like playground. You play in the ground. Restaurant. आप restaurant क्यों जाते हैं? Tasty food खाने जाते हैं आप restaurant. School. Why you go to school? You go to school for studies. You go to school for studies ना? Okay. Names of animals. Giraffe, monkey, dog, cat, donkey, bird, tiger. These are the names of animals. Names of things. Things also have name na? Books, chocolates, cup, ball, dress and many more. Let's move to another topic, which is types of nouns. There are basically two types of noun, common noun and proper noun. First is common noun, second one is proper noun. What are common nouns? Common nouns kya hai? General name of person, place, animals and things are called common nouns. General name. Okay, general name kya hai? What is general names? जनरल नेम्स क्या है? लाइक हमारी मम्मा है, मॉम है, तो मॉम का हम कोई स्पेसिफिक नेम तो होता है ना मदर का. सपोज आपकी मम्मा का नेम सीता है, तो आप अपनी मम्मी को सीता नेम से तो नहीं बुलाते हैं. आप उन्हें क्या बोलते हैं? मॉम बोलते हैं. और सभी लोग अपनी मदर को मॉम से ही बुलाते हैं, तो उनका क्या एक जनरल नेम क्या है? मॉम और मदर जनरल नेम है. माँ को हम मम्मी बोलते हैं या मदर बोलते हैं इंग्लिश में.
ऐसी उनका जो स्पेसिफिक नेम है उससे हम नहीं बुलाते हैं। तो जनरल नेम क्या हो गया? मदर। जस्ट लाइक मदर ऐसे ही फादर है, फादर का भी अपना एक स्पेसिफिक नेम होता है। फादर का नेम सपोज राम है तो हम उन्हें राम कह के नहीं बुलाते हैं, हम उन्हें फादर कह के बोलते हैं या पापा कह के बोलते हैं। आप लोग भी हैं, आप लोग का भी कोई स्पेसिफिक नेम है, लेकिन हम स्पेसिफिक नेम ना यूज करके लड़कियों के लिए क्या यूज करते हैं? गर्ल। लड़कों के लिए क्या यूज करते हैं? बॉयज। तो उनका कोई, आप लोग का भी तो कोई स्पेसिफिक नेम होगा ना, लेकिन अगर लड़की है तो हम उनके लिए गर्ल बोलते हैं और लड़का है तो हम उसके लिए बॉय बोलते हैं। अब आपका स्पेसिफिक नेम क्या है? सपोज सुहानी है गर्ल, तो गर्ल, उस गर्ल का स्पेसिफिक नेम क्या है, प्रॉपर नेम क्या है? सुहानी। लेकिन उसका कॉमन नेम क्या है? गर्ल। हम उसे क्या बोलते हैं? कॉमन नेम है गर्ल। यू आर अ गर्ल। सपोज यू आर इन अ क्लास, आप क्या है? क्लास में है। क्लास में आप लोग बहुत ज्यादा नॉइज कर रहे हैं, तो मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगी दिस कीप क्वाइट, दैट कीप क्वाइट। मैं क्या बोलूंगी आपको कॉमन नेम से? ऑल ऑफ यू या ऑल स्टूडेंट्स प्लीज कीप क्वाइट। मैं आपको कॉमन नेम से क्या बुलाऊंगी? स्टूडेंट्स प्लीज कीप क्वाइट। स्टूडेंट्स, वो कॉमन नेम क्या होगा? स्टूडेंट्स, क्योंकि आई डोंट नो द नेम ऑफ एवरी स्टूडेंट्स। और अगर मुझे पता भी है आप सबके नाम, तो मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगी सबके नेम लेके कि प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज यू कीप क्वाइट। मैं क्या करूंगी? आप लोग का एक कॉमन नेम होगा, टाइम भी कंज्यूम कम हो, और मैं क्या बोलूंगी उनके? स्टूडेंट्स प्लीज कीप क्वाइट। तो मैंने आपका कॉमन नेम क्या रखा? स्टूडेंट्स। ऐसे ही डॉक्टर्स हैं, हर डॉक्टर्स के अपने नेम होते हैं, हम उनको नेम से तो नहीं बुलाते हैं, हम उन्हें डॉक्टर ही बोलते हैं। उनके भी अपने स्पेसिफिक नेम है, बट हम उन्हें स्पेसिफिक नेम से ना बोल के डॉक्टर बोलते हैं। हम हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, हम डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, तो उनका एक कॉमन नेम क्या है? डॉक्टर। टीचर, आपकी टीचर है, आपको क्लास में पढ़ाती है, तो आप क्या उनको बोलते हो? उनके नेम से बोलते हो, नेम से प्रोनाउंस करते हो उनको? नो, उनको आप क्या बोलते हो? कॉमनली टीचर, लेकिन उनका भी एक स्पेसिफिक नेम है। फॉर एग्जाम्पल हम एनिमल को लेते हैं, डॉग। डॉग को हम जनरली, हम सारे डॉग, डॉग्स जितने भी हैं सारे, हम उनको डॉग कहते हैं जनरली, हम उनको क्या कहते हैं? डॉग। लेकिन उनके भी अपने स्पेसिफिक नेम होते हैं या हम रखते हैं उनका एक स्पेसिफिक नेम। ऐसे ही कैट है, कैट्स को भी हम जनरली क्या बोलते हैं? कैट ही कह के बुलाते हैं। तो ऐसे ही डॉक्टर, नर्स, पर्सन में हम किसको यूज करते हैं? पर्सन में हम हैं टीचर, डॉक्टर, नर्स, मदर, फादर, अंकल, आंट। ये जनरल नेम ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन है। जनरल नेम्स ऑफ एनिमल्स क्या है? डॉग, कैट, जिराफ, मंकी एंड मेनी मोर। जनरल नेम्स ऑफ प्लेसेस क्या है? जनरल नेम्स ऑफ प्लेसेस, ओके, प्लेसेस को हम जनरली प्लेस बोलते हैं, उसका पर्टिकुलर हर जगह का अपना एक नाम है, तो हम कॉमनली जगह को प्लेस ही कह के बुलाते हैं, क्योंकि हर जगह का अपना एक स्पेसिफिक नेम है। अभी आप भिवाड़ी में, तो आपकी प्लेस का क्या नाम है? भिवाड़ी है। अभी आप घर में, तो एक स्पेसिफिक प्लेस का नेम क्या है? हाउस। तो जनरली हम प्लेसेस को प्लेस ही कह के बुलाते हैं, आई वेंट टू दिस प्लेस। तो हम जनरली कॉमन नेम प्लेसेस में क्या यूज करते हैं? प्लेस ही यूज करते हैं। ओके, लेट्स मूव टू प्रॉपर नाउन्स। A noun which names a specific person, place, animals and things are called proper nouns. वो noun जिनका particular एक specific name है, जिनका कोई अपना एक नाम है। आपका name क्या है? आपका name राम है, तो आपका particular एक name है ना, राम। आपको राम कह के बुलाते हैं ना, आपके mother father आपको boy girl कह के common name से तो नहीं बुलाते हैं, आपको बोलेंगे राम प्लीज कम हियर। ऐसे ही जिन जिन चीजों का स्पेसिफिक एक नेम है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज स्टार्टेड विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नेम हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होते हैं और कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर से। प्लीज रिमेम्बर दिस थिंग, प्रॉपर नेम इज ऑलवेज स्टार्टेड विथ कैपिटल लेटर एंड कॉमन नेम इज ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। लेट्स डू सम मोर एग्जाम्पल। सपोज यू आर इन असेंबली, आप एक असेंबली में खड़े हैं। अब मुझे असेंबली में किसी को बुलाना है आगे,
कि प्लीज कम हियर, तो मैं आपको ये तो नहीं कहूंगी मुझे पर्टिकुलर एक पर्सन को बुलाना है, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगी हे बॉय प्लीज कम हियर, हे गर्ल प्लीज कम हियर। तो आपको क्या समझ में आएगा कि किस बॉय को मैम बुला रही है और किस गर्ल को बुला रही है मैम? तो आपका कोई स्पेसिफिक नेम होगा ना, तो मैं बोलूंगी सोहन प्लीज कम हियर एंड सुहानी प्लीज कम हियर। तो मैंने आपके कौन से स्पेसिफिक नेम से आपको प्रोनाउंस किया? सोहन एंड सुहानी। दीज आर द प्रॉपर एंड स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पर्सन। ये प्रॉपर और स्पेसिफिक नेम है ना आपका, सोहन एंड सुहानी। यस, ये आपका एक स्पेसिफिक नेम है। ऐसे ही एनिमल्स के भी अपने स्पेसिफिक नेम होते हैं, प्लेसेस के भी अपने स्पेसिफिक नेम होते हैं, मुंबई, कोलकाता, भिवाड़ी, राजस्थान एंड मेनी मोर। ऐसे ही थिंग्स के भी अपने स्पेसिफिक नेम होते हैं। सपोज आपने एसी परचेज किया, बाय किया, अब एसी तो कॉमन नेम है, एसी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन आपने एसी कौन से कंपनी का खरीदा? आपने वोल्टास का एसी लिया, तो वोल्टास क्या है? एसी का स्पेसिफिक नेम है। आपने ब्लू स्टार का लिया एसी, तो ब्लू स्टार क्या है? एसी का स्पेसिफिक नेम है। जस्ट लाइक एसी यू परचेज अ न्यू कार, आपने नई कार खरीदी, कार तो कॉमन नेम है, कार तो हम कोई भी कार को बोलते हैं, लेकिन कार का अपना स्पेसिफिक नेम क्या है? स्विफ्ट। एक स्विफ्ट कार खरीदी मैंने, एक बलेनो ली मैंने, तो अपना कार का एक स्पेसिफिक नेम क्या हो गया? स्विफ्ट, बलेनो एंड मैनी मोर नेम्स ऑफ कार्स। सो लेट्स डू वन एक्टिविटी ऑफ कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। ओके, वी हैव टू सेपरेट दीज नेम्स इन बिटवीन इन कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। अब कौन से नेम्स, ये नेम्स ही है ना आपको बिटवीन में, बीच में, तो इनको सेपरेट करना है हमें कि कौन से नेम्स कॉमन नाउन में आएंगे एंड कौन से प्रॉपर नाउन्स। अक्टूबर, अक्टूबर इज अ नेम ऑफ मंथ। अक्टूबर क्या है? मंथ का नेम है। तो किसी मंथ क्या है? कॉमन नेम है, और मंथ का प्रॉपर नेम क्या है? अक्टूबर। तो अक्टूबर क्या है? प्रॉपर नेम। अक्टूबर इज अ प्रॉपर नेम, तो यू कैन राइट हियर अक्टूबर।